Ma'am? Ma'am, aapki awaaz nahi aa rahi. ठीक है, और सेकंड है हमारा कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट में सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन, अगर सडन एकदम से कंप्लीटली उसका कार्डियक फंक्शन लॉस हो गया, या फिर सडन कोलैप्स विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर उसमें कोलैप्स हो गया उसका बॉडी वो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम से उसका कॉन्शियसनेस लॉस हुआ और इसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया. थर्ड है पल्स एब्सेंस, उसका पल्स एब्सेंस हो गया. कौन सी पल्स एब्सेंस हो गई? सबसे जो मेजर हमारा पल्स होते हैं फिमोरल एंड कैरोटिड. फोर्थ वन है नो रेस्पिरेशन, पेशेंट को हमारा रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है. तो इन सब कंडीशंस में हम लोग पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करेंगे. और इसमें मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, इफ सीपीआर इज नॉट गिवन विद इन 4 to 6 minutes, अगर सीपीआर हमारा 4 to 6 minutes तक नहीं दिया गया, डेथ मे बी अकर. तो डेथ हो सकती है. अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं कि पेशेंट को हम ऑब्जर्व किया आपने, तो पेशेंट को उसमें ये इंडिकेशंस है, मतलब रेस्पिरेटरी में मतलब ये वाला कंडीशन पेशेंट के साथ हो और उसके साथ उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस, ठीक है, या फिर उसको ये वाला कंडीशन हुआ और इसकी केस में उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया. तो इन कंडीशंस में हमको विद इन 4 to 6 minutes में पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करना, नहीं तो उसका डेथ हो सकता है. अब हमारे 2 types ऑफ सीपीआर होते हैं. कार्डियक पल्मोनरी रिसुसिटेशन हमारे 2 types का होता है. फर्स्ट वन इज बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड सेकंड वन इज एडवांस लाइफ सपोर्ट. पहले के टाइम पे हम लोग BLSC यूज करते थे, ठीक है, और अब के टाइम पे हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट यूज करते हैं. लेकिन अभी भी किसी किसी हॉस्पिटल्स में BLSC यूज किया जा रहा है. सबसे पहले मैं बताऊंगी BLS होता क्या है. BLS होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट. इट इज अ सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये एक प्रोसीजर है, मतलब इसमें सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेशन मतलब वो जो फंक्शन है हमारे हार्ट का, कि सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में देना, तो वो जो फंक्शन एकदम से बंद हो जाता है, सीज हो जाता है हमारा, तो उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट यूज करते हैं. सेकेंड है चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनीवन हु नोज हाउ टू डू इट, ठीक है. इसमें हम नॉर्मली चेस्ट कंप्रेशन करते हैं पेशेंट का और पल्मोनरी वेंटिलेशन पेशेंट को करते हैं, परफॉर्म बाय एनीवन, और ये किसी की कोई भी कर सकता है, हु नोज हाउ टू डू इट, जिसको पता हो कि ये कैसे करते हैं. एनीवेयर कहीं पे भी इमिडिएटली एकदम से करना होता है विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट, किसी और इक्विपमेंट के बिना भी हम लोग BLS पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब कंप्रेशन विद परमानेंटली वेंटिलेशन दे सकते हैं. एम, अब इसके एम है, फर्स्ट वन इज टू एंश्योर ओपन एयर वे एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन. हमें ये एंश्योर करना है कि पेशेंट को एयर वे है वो ओपन हुआ और एडिक्वेट वेंटिलेशन पेशेंट को मिले. सेकेंड है टू एंश्योर सर्कुलेशन until help comes and definite treatment with advanced life support can be administered. और हमको ये अपना ध्यान में रखना है कि हमको जो patient का circulation है वो maintain होता रहे जब तक कि patient को proper तरीके से treatment नहीं मिला और advanced life support नहीं मिल जाती, तब तक हमको उसका जो body function है, जो उसका heart का function है, उसको restore करके रखना. अब हमारा ये था BLS, अब हम पढ़ेंगे advanced life support मतलब ALS. ALS में क्या है? फर्स्ट वन इज एयरवे सिक्योर्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी. इसमें हम पेशेंट का एयरवे को सिक्योर करके रखते हैं और इसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. ब्रीदिंग इज मेंटेन विद सम मींस ऑफ ब्रीदिंग एपरेटर्स
ठीक है, इसमें हम पेशेंट का ब्रीदिंग है वो मेंटेन करके रखते हैं विद सम मींस ऑफ ब्रीदिंग एपरेटस, और कैसे विद द हेल्प ऑफ सम एपरेटस जिससे हम उसका ब्रीदिंग सिस्टम है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको रिस्टोर कर सकते हैं. सर्कुलेशन इज मेंटेन बाय, और सर्कुलेशन ऑफ पेशेंट का कैसे मेंटेन करेंगे, बाय BLS अलोंग विद BLS के साथ हम लोग पेशेंट का सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे, जैसे कि IV एक्सेस. ठीक है, अगर कोई मेडिसिन उसको IV देनी है इंटरवीनसली तो हम वो प्रोवाइड करेंगे, डिफिब्रिलेटर हम प्रोवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएट ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे. अब हमारा आता है तो प्रोसीजर ऑफ CPR. अब अगर हमारे पास कोई बोले कि हाउ वी कैन डन CPR, तो ये वाला प्रोसीजर है जो आपको लिखना. चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ विक्टिम, पहले आपको जो कोई पेशेंट मिले, कोई इंडिविजुअल रोड साइड मिले कहीं पे भी, ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है. If you suspect that victim has sustained spinal or neck injury, और अगर आपको लग रहा है कि patient को spinal injury हुई है या फिर neck injury हुई है, do not shake or move him. तो आप उसको ज़्यादा हिलाए ना और इधर से उधर ना करें, क्योंकि उसको spinal की fracture है और neck का fracture है इसलिए. Otherwise, और अगर ऐसी conditions ना हो तब आपको क्या करना है, patient को थोड़ा shake करना है एंड जेंटली, बहुत तेजी से शेक नहीं करना, जेंटली अप्रोच करनी है पेशेंट के साथ आपको, और उसको आपको बोलना है एकदम चिल्ला के, आर यू ओके, कि आप ठीक है, टू सी इफ देयर इज एनी रिस्पॉन्स, ये देखने के लिए कि पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट. इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स, और आप देख रहे हैं कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और नो ब्रीदिंग, और उसको पेशेंट को सांस भी नहीं चल रहा, क्विकली कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प. तो तभी आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए बुलाना है एंड फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स, और आपको कुछ जो स्टेप्स है नीचे उसको फॉलो करना है. पहला सर्कुलेशन असेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कुलेशन है पेशेंट का, पहले सर्कुलेशन असेसमेंट करना है, फिर एयर वे, एंड लास्ट वन इज ब्रीदिंग, CAP CAB, ऐसे करके याद रखना. ठीक है, सर्कुलेशन में आपको क्या करना है, एस्टैब्लिश प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स. पहले आपको देखना है कि पेशेंट को जो कैरोटिड पल्स है, जो नेक के साइड वाला जो हम पल्स फील करके रखते हैं, क्योंकि ये जो मेन हमारा आर्टरी होती है, ठीक है, तो ये पेशेंट को हमें पल्स फील करना है, देखना है पेशेंट को पल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है बाय प्लेसिंग, और ये कैसे करना है, बाय प्लेसिंग टू फिंगर टिप्स ऑन हिज कैरोटिड आर्टरी फॉर 5 to 10 seconds. और हम कैसे करेंगे, अपना जो डोमिनेंट हैंड है उसका टू जो फिंगर्स, एक इंडेक्स फिंगर और उसके बाद वाला फिंगर को पेशेंट का कैरोटिड आर्टरी में प्लेस करेंगे, और 5 to 10 seconds के लिए हम देखेंगे पेशेंट को. स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, और उसके बाद हमको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है इफ द कैरोटिड पल्स एब्सेंस और क्वेश्चनेबल. अगर पेशेंट का कैरोटिड पल्स एब्सेंस है, मतलब आपको नहीं मिल रहा है कैरोटिड पल्स, पेशेंट का बहुत धीरे चल रहा है, बहुत थ्रेडी है, बहुत वीक है, तब आप लोग, या फिर क्वेश्चन है पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस केस में आप लोग चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे. अब CPR का प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको बताया था कैप करके याद रखना, फर्स्ट वन इज कंप्रेशन, सेकंड वन इज एयर वे, एंड लास्ट वन इज ब्रीदिंग. कंप्रेशन, कंप्रेशन में पुश हार्ड एंड फास्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द विक्टिम चेस्ट. तो पेशेंट को यही पोजिशन लेके हमें दोनों हाथों को ऊपर ऐसे रख के पेशेंट को बहुत हार्डली और बहुत जल्दी जल्दी से पेशेंट का जो सेंटर है वहां पर, चेस्ट का जो सेंटर है वहां पर कंप्रेस करना है. सेकंड वन है एयरवे, एयरवे में क्या करना है, टिल्ट द विक्टिम हेड, विक्टिम का जो हेड है उसको थोड़ा टिल्ट करके रखना है बैक की तरफ पीछे को, एंड लिफ्ट द चिन, और उसका चिन को ऊपर उठाना है, ओपन द एयर, उसका एयर वे ओपन करने के लिए. ब्रीदिंग गिव माउथ टू माउथ रेस्क्यू ट्रीट्स, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न रिस्टोर करने के लिए हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल हम लोग ये यूज नहीं करते माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जाने के होने के पेशेंट को और चांसेस होते हैं, ठीक है, पेशेंट को भी और जो दे रहा है उसको. सबसे पहले अब आएगा चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं, द रिदमिक एप्लीकेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम. हम ये रिदमिक कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, रिदम वाइज प्रेशर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम. स्टर्नम जहाँ होता है उसके लोअर हाफ में, नील एज क्लोज टू द साइड ऑफ द विक्टिम चेस्ट एज पॉसिबल, नील डाउन होके बैठना है, इसको बोलते हैं, इस पोजिशन को नील डाउन बोलना है, ऐसे हमें बैठना है और पेशेंट का जितना पास हो सके उतना पेशेंट के पास बैठना है उसके साइड में. ठीक है, प्लेस द हील ऑफ वन हैंड एट द सेंटर ऑफ विक्टिम चेस्ट बिटवीन द निप्पल्स. तो अपने एक हैंड का जो हील है वो पेशेंट के चेस्ट के सेंटर में रखना है, ठीक है, और वो चेस्ट का सेंटर कैसे, पेशेंट का जो निप्पल होगा, निप्पल लाइन के बीच में जो सेंटर है वहां पर हमें तो अपना हाथ रखना है.
प्लेस द अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड और दूसरे हाथ को हम अपने जो नीचे हाथ रखा उसके ऊपर रखेंगे एंड इंटरलॉक द फिंगर और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे एंड द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रेस्क्यूअर. ठीक है, और जो फिंगर है याद रखना है कि वो थोड़ी रेस्क्यूअर से थोड़ा दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द रेस्क्यूअर. फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, इन चिल्ड्रन इट इज डन विद वन हैंड और बच्चों के लिए हम लोग एक ही हैंड यूज करेंगे. Whereas in infants, you can use two fingers. Or infants के लिए आप सिर्फ दो finger use करेंगे, first अपना index finger और second one आपका middle finger, यही दो fingers use करेंगे infants के लिए. ठीक है, infants के लिए दो finger, बच्चों के लिए एक हाथ और adults के लिए दोनों हाथ. Compression rate should be 100 compression per minute. अब compression इस rhythm से इस speed से देना है कि 1 minute में 100 compression देना है with the compression depth और compression का depth होना चाहिए 1. approximately मतलब आप ऐसे centimeters में याद कर लो 4 to 5 centimeters depth होनी चाहिए हमारे compression का. फिर है हमारा last point, allow the chest return to its normal position completely after each compression with equal compression and relaxation. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना जब भी patient को आप compression provide करोगे तो चेस्ट को रिकॉइल होने का भी टाइम हमें देना है. मतलब आप एक कंप्रेशन दे रहे हो तो उसके बाद रिलैक्सेशन का भी टाइम दो, मतलब एक बार नीचे करोगे तो ऊपर भी आने दो अपने उसको, मतलब रिकॉइल का प्रॉपर टाइम दो. ठीक है, कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन में टाइम दोगे और उसी के हिसाब से जो रिदम बनेगा उसी से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. फिर है हमारा सेकेंड लास्ट, असेस आफ्टर 1 मिनट और उसके बाद दोबारा से आपको 1 मिनट बाद आप जब पेशेंट को 1 मिनट तक कंप्रेशन दे दो उसके बाद दोबारा से पेशेंट का कंडीशन असेस करना है. If circulation apps present, अगर circulation patient को आ गया, heartbeat returns back, ठीक है, heartbeat circulation कैसे back आएगा, मतलब कैसे present होगा, वो कैसे पता चलेगा, heartbeat returns back, ठीक है, patient का heartbeat वापस से आने लग जाएगा. Stop compression immediately, तो आपको compression देना बंद कर देना एकदम से, but continue rescue breathing, लेकिन जो हम breathing देंगे वो हमें continue करना है. Check circulation in each 1 minute, हर minute में आपको circulation patient का देखना है. आप हमेशा ध्यान रखना जो हम पेशेंट का कंडीशन है उसको रीअसेस करना है आफ्टर 1 मिनट में. ठीक है, और अगर सर्कुलेशन बंद हो गया मतलब नहीं चल रहा, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही, तो आपको कंप्रेशन कंटिन्यू करना है. लेकिन आपको जैसी इम्प्रूवमेंट दिखे वैसे आपको कंप्रेशन नहीं करना है पेशेंट. इफ द विक्टिम रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिव चेक द एयर, और अगर पेशेंट फिर से आप इतना कोशिश कर रहे हैं और पेशेंट बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है तो दोबारा से पेशेंट का एयर वे हमको चेक करना है. सेकेंड है हमारा एयर वे. मैंने क्या बोला था, सी ए बी, सी मतलब कंप्रेशन, ए मतलब एयर वे एंड बी मींस ब्रीदिंग. कंप्रेशन हमने पढ़ लिया, सेकेंड हम एयर वे पढ़ेंगे. एयर वे में क्या है, फर्स्ट असेस फॉर एनी विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे. जब हम हेड को टिल्ट करेंगे बैक में तो हमें देखना है थोड़ा सा पेशेंट को, कहीं उसको एयर वे में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो गई, कोई चीज फंस तो नहीं गई है. क्लियर एयर वे बाय रिमूविंग एनी लूज ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन है मुंह में जैसे म्यूकस फंस गया है, ब्लड है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो हमें उसको इमिडिएटली निकालना है फ्रॉम माउथ एंड फेरिंग्स, ताकि मुंह से और पेशेंट का फेरिंग से, ताकि वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाके ऑब्स्ट्रक्शन ना करे. इन केस ऑफ अनकॉन्शियस विक्टिम, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, टंग इज द कॉमन मोस्ट कॉमन एयर वे कॉज ऑफ एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो टंग होगा, खुद की टंग पेशेंट की, वो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट. इफ द पेशेंट इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, अगर पेशेंट फिर भी ब्रीद नहीं कर रहा, देन ओपन एयर वे, ओपन एयर वे को ओपन करना है. और एयर वे को कैसे ओपन करेंगे, बाय हेड टिल्ट. देखो हेड टिल्ट मतलब हेड को पीछे को करना है एंड चिन लिफ्ट, चिन को ऊपर को और जॉ थ्रस्ट. और इस मेथड को हम जॉ थ्रस्ट मेथड भी बोलते हैं. जॉ थ्रस्ट मतलब हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. फिर है हमें नोट मींस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द जॉ थ्रस्ट इज द टेक्निक यूज ऑन पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी एंड इट इज यूज ऑन स्पाइन पेशेंट. ठीक है, और ये जॉ थ्रस्ट वाला जो टेक्निक है ये हम ज्यादातर उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनको स्पाइनल इंजरी हो रही हो. ठीक है, एंड इज यूज ऑन द सुपाइन, और सिर्फ अगर पेशेंट सुपाइन पोजिशन में ही है तभी हमको जॉ थ्रस्ट वाला मेथड यूज करना है. इफ द विक्टिम इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, अगर विक्टिम अभी भी आपका ब्रीदिंग नहीं कर रहा है ऑन हिज ओन अपने खुद से,
after the airway has been, you will have to assist him breathing. ठीक है, आपने airway भी clean कर दिया, clear कर दिया, सब कुछ हो गया. लेकिन still patient is not breathing, तो इसमें आपको करना है, you have to assist him for the breathing. ठीक है, तो आपको patient को breathing pattern को maintain करने के लिए assist करना है. Third one is assess breathing. अब हमारा breathing आ रहा है. ब्रीदिंग के लिए कैसे करना है, लुक लिसन फील. पहले हमें देखना है पेशेंट को, लिसन करना, सुनना है और फील करना है. प्लेस ईयर ओवर द विक्टिम माउथ एंड नोज, लुकिंग टुवर्ड द विक्टिम चेस्ट एंड स्टमक. तो हमें कैसे ब्रीदिंग पैटर्न को हम लिसन करेंगे, लुक करेंगे, फील करेंगे, हम पेशेंट का चेस्ट को देखेंगे, स्टमक को देखेंगे. आप खुद अपना ब्रीदिंग पैटर्न अभी खुद से एक बार देखो. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा पता चलता है, मतलब अगर कोई आराम से बैठा है तो सिर्फ उसका स्टमक देख के और सिर्फ उसका चेस्ट का पोजीशन देख के हमको पता चल जाता है कि whether that individual is breathing or not. ठीक है, क्योंकि हमारा एक बार एक्सपेंड होता है फिर रिलैक्स होता है, एक्सपेंड रिलैक्स. ठीक है, इसीलिए सेकंड पॉइंट है, पिंच द नोस्ट्रिल क्लोज विद अ थंब एंड इंडेक्स फिंगर. तो हमें जैसे इन्होंने करा है अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से पेशेंट का नोज को पिंच करना है. Of the hand that is on the forehead, और वो hand हमारा patient के forehead में होना चाहिए. Take a deep breath, खुद से एक deep लंबी गहरी सांस लेनी है. Open mouth wide, patient का mouth को बड़ा करना है. Place it outside of the patient mouth, making a tight seal. ठीक है, patient के mouth के बाहर अपना mouth को रखना और एक tight seal बनाना है, मतलब अच्छे से lock होना चाहिए आपका और patient का mouth, नहीं तो वो हमारा जो air है, जो breathe जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रीदिंग, तो वो बाहर चले जाएगा, लीक हो जाएगा. इन्फ्लेट विक्टिम लंग बाय टू फुल ब्रीथ, ईच ब्रीथ ओवर वन सेकेंड, अलाइन द पेशेंट विक्टिम लंग्स टू ब्रीथ. ठीक है, तो हमें पेशेंट को एक मिनट, एक सेकेंड में टू फुल ब्रीथ प्रोवाइड करनी है और साथ में साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि पेशेंट का लंग्स खुद से रिलैक्स हो. एक बार आप दे रहे हो फिर उसके बाद खुद से रिलैक्स भी हो. इफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस द रीच इन एयर, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट का कुछ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि एयरवे को आपको दोबारा रीचेक करना है. नोट, अवॉइड रैपिड एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग. आप पेशेंट को, हमें ये अवॉइड करना है कि रैपिडली आप पेशेंट को जल्दी जल्दी ऐसे नहीं देना है, फोर्सफुली ब्रीदिंग भी नहीं प्रोवाइड करनी है पेशेंट को. ठीक है, रेट होना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला टू ब्रीथ्स एक सेकेंड में, तो इस हिसाब से रेट होना चाहिए 10-12 ब्रीथ्स पर मिनट में. Continue the cycle of 30 chest compression and 2 rescue breath. और हमें कैसा ratio लेकर चल रहे हैं, 30:2. ठीक है, 30 compression with 2 rescue breaths until spontaneous circulation is returned. तब तक करना है जब तक patient का जो circulation है वो normal जो circulation है वो वापस ना आ गया, और until the arrival of medical help, और जब तक उसका जो medical help है वो उसको ना proper तरीके से मिल जाए. गाइडलाइंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिसेसिटेशन, गाइडलाइंस है हमारा रिसेसिटेशन हमें कब बंद करना है. फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, जब पेशेंट वापस अपना सर्कुलेशन लेने लग जाए, मतलब इसका ब्रीथिंग पैटर्न आप देख रहे हो, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो वापस जो फंक्शन है रिस्टोर कर ले. अराइवल ऑफ अरेस्ट टीम और मेडिकल हेल्प, जब तक उसका जो मेडिकल हेल्प का टीम या फिर अरेस्ट टीम वापस ना आ जाए. इफ द रेस्क्यूअर बिकम्स एग्जॉस्टेड, या फिर जो रेस्क्यूअर जो उसको ब्रीथ प्रोवाइड कर रहा है, जो रेस्क्यू कर रहा है इस पेशेंट